सीमा पर खतरनाक साजिश रच रहा है चीन। गोली बारूद से नहीं, अब चाकू से करेगा वार। कोरोना की मार से भी ठिकाने पर नहीं है दिमाग। लगेगा तगड़ा झटका, एप्पल देगा ऐसा फटका। चीन की लॉकडाउन नीति भारत की फिट करेगी गोटी। दोस्तों, ड्रैगन की फितरत से कौन वाकिफ नहीं है, साजिश रचना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लिहाजा एक बार फिर वो भारत के खिलाफ कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन की साजिश के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल गलवान घाटी से मिले सबक से चीन समझ गया है कि भारतीय जवानों से टकराना उसके बूते की बात नहीं है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब सीमा पर भारतीय सैनिकों का बाल बांका नहीं कर सकता है। और अब तो पीएम मोदी ने भी मां भारती के सपूतों को खुली छूट दे दी है, लिहाजा चीनी टुटपुंजियों की अब तो खैर नहीं है। जिनपिंग भी ये जान गया है कि सीमा पर भारतीय सेना की तैयारी से पार पाना अब उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसने अपनी स्याह सोच से खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। चीन अब इस प्लान के जरिए भारतीय जांबाजों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, अपने सैनिकों को बाकायदा प्रशिक्षण दे रहा है, उन्हें बिना घातक हथियारों के किसी भी युद्ध का कौशल सिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और चीन से लगती सीमा पर तो वैसे ही दोनों देशों के बीच हथियारों के इस्तेमाल नहीं करने को लेकर समझौता है, फिर चीन अपने सैनिकों को कौन सा युद्ध कौशल सिखा रहा है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ और खास भी है, और ये बात जब आप जानेंगे तो एक भारतीय होने के नाते आप बाग बाग हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कोरोना को फैलाने वाले चीन को अपने यहाँ जारी लॉकडाउन के चलते बड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका ऐसा होगा जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी, लेकिन चीन को मिलने वाला यह झटका भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया पर राज करने की मंशा रखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना ने अमेरिका, भारत, ताइवान से भविष्य में होने वाली किसी भी जंग के लिए तैयारी तेज कर दी है। आपको चीन की इस नई तैयारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन के चलते मिलने वाले झटके के बारे में बता देता हूँ। एप्पल कह सकता है चीन को अलविदा। लॉकडाउन के चलते व्यापार पर पड़ा है असर। भारत के लिए साबित हो सकता है सुनहरा मौका। दोस्तों, चीन में फिर से कोविड अपने पैर पसार रहा है। रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। सख्त कोविड पॉलिसी की वजह से चीनी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब तो शंघाई में लोग सड़कों पर हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं और इस्तीफे की डिमांड हो रही है। इसी सख्त पॉलिसी की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल अब धीरे धीरे अपने कारोबार को समेट रहा है। सबसे बड़ी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बार बार बंद करना पड़ रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों का रुख चीन से कम होता जा रहा है। दोस्तों, दरअसल हाल ही में कोरोना लॉकडाउन को लेकर चीन में लगातार झड़प चल रही है। चीन के ज़ेंगजाऊ आईफोन सिटी प्लांट के वर्कर्स के प्रोटेस्ट की लगातार खबरें आ रही थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट वायरल हुए थे। इसके पीछे कोरोना की वजह से फैक्ट्री में लागू हुए गाइडलाइंस को बताया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि चाइना आईफोन फैक्ट्री की कंडीशन को लेकर वर्कर्स रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इसको देखते हुए कंपनी अपने प्रोडक्शन को एशिया के दूसरे मार्केट में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी भारत या वियतनाम को सिलेक्ट कर सकती है। दोस्तों, दरअसल एप्पल अब अपने कारोबार को समेटकर भारत ला रही है, जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले ही हो गई थी। विदेशी निवेशकों का रुख भारत की ओर बढ़ा है। नवंबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर और ताइवान के प्रति चीन के कड़े तेवर के अलावा कोविड पॉलिसी के कारण लगने वाले लॉकडाउन की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चीन से छिटकना शुरू कर दिया है। पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने सोर्सिंग बेस को एक्सपेंड करने का विचार कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत को होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। साथ ही आने वाले दिनों में चीन की तुलना में भारत में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं दूसरी ओर एप्पल ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। चेन्नई स्थित फॉक्सकॉन कंपनी एप्पल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में भारत में प्रोडक्शन में और इजाफा इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में लॉकडाउन की भेंट चढ़ी हुई है, जिसका असर एप्पल की सप्लाई पर साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, केवल टेक मार्केट में ही नहीं, चीन में लॉकडाउन या स्लोडाउन का फायदा भारत को क्रूड ऑयल में भी देखने को मिलेगा।
चीन की ओर से डिमांड कम होने पर इंटरनेशनल मार्केट में इसका असर पड़ेगा और रुपए पर दबाव कम देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आयातक देश है। चीन में लॉकडाउन और क्राइसिस की वजह से डिमांड कम होगी और जिसका असर इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगा, और क्रूड ऑयल की कीमत कम होने का फायदा भारत को मिलेगा और रुपए को मजबूती मिलेगी और भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। भारत का आयात बिल कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिलेगा। चीन में लॉकडाउन के कारण ही ब्रेंट क्रूड के दाम में करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, क्रूड ऑयल में ही नहीं, चीन के रियल एस्टेट बबल के फटने के बाद भारत को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के डूबने से चीन की जीडीपी अनुमान 5.5% फिसलती हुई दिखाई देने लगी है। वहीं चीन के नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के कारण भी रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। कई रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, जिसका फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन में मंदी के कारण भारत में पहले 6 महीनों में घरों की बिक्री साल 2013 की पहली छमाही के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिली। भारत में कैलेंडर वर्ष 2021 की दूसरी छमाही तुलना में ये डिमांड 19% ज्यादा थी। दोस्तों, यही नहीं, पूरी दुनिया ने कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी देखी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की ऑटो कंपनियों को हुआ। चीन दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब है, जहां पर अब भी कोविड लॉकडाउन जारी है। ऐसे में भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर चल पड़ा है। बीते सप्ताह मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर की ओर से बताया गया कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में $30 बिलियन का निवेश करेगी। उन्होंने बेंगलुरु में हुए टेक समिट में कहा था कि दुनिया अब चीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर कभी चीन पर भरोसा दिखाने वाले विदेशी निवेशकों ने अब भारत की ओर रुख कर लिया है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और सेंट्रल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में इजाफे की वजह से FII ने भी भारत के बाजारों से पैसा निकाला था, लेकिन नवंबर के महीने में FII ने 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है, जिसके और भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों की माने तो कोविड लॉकडाउन के कारण चीनी बाजारों में लगातार गिरावट की ओर है, जबकि भारतीय बाजारों में लगातार तेजी आई है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह दुनिया को कोरोना के भंवर में झोंकने वाला चीन अब खुद इसके शिकंजे में फंस गया है और किस तरह इससे उसे करारा झटका लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको चीन की कमीनापंती का अंदाजा हो जाएगा। चीनी सैनिकों का चाकू वाला प्लान, यूक्रेन युद्ध को देखकर कर रहा तैयारी, भारत अमेरिका ताइवान से जंग की तैयारी। दोस्तों, चीन जहां 1500 परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, वहीं सेना PLA ने भी खुद को धारदार बनाने के लिए तेज चाकू प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन की सेना ने अब नॉन कमीशन अधिकारियों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, जो लंबे समय तक सेवा में रहेंगे। ये अधिकारी अत्याधुनिक प्रशिक्षण से लैस होंगे। इन अधिकारियों की यूनिट बहुत छोटी होगी और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तेज चाकू की तरह से दुश्मन को काटती चली जाएगी। माना जा रहा है कि चीन ने यूक्रेन की जंग से यह सबक लिया है। चीनी सेना के अखबार PLA डेली ने कहा कि क्षेत्रीय युद्धों से सबक हासिल करते हुए चीनी सेना अब इस मिशन पर काम कर रही है। दरअसल चीन की सेना अपने मिशन 2050 के प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का लक्ष्य है साल 2050 तक चीन की सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिनपिंग तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं और वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि PLA जंग के लिए खुद को तैयार करे। यही वजह है कि अब चीनी सेना नॉन कमीशन अधिकारियों पर फोकस कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्टल की रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिकारी ही भविष्य की जंग में चीनी सेना की रीढ़ होंगे। दोस्तों, चीनी सेना छोटी और घातक सैन्य टुकड़ियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। इस नियम को मार्च से ही लागू कर दिया गया है, जिससे मध्य और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लंबे समय तक सेवा में रहेंगे। इसकी शुरुआत भी स्प्रे टले द्वीप पर तैनात नौसैनिकों के सेवा काल को बढ़ाकर कर दिया गया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दबदबा कायम करने के लिए इस द्वीप को सैन्य किला बना दिया है। इन द्वीपों को लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के कई और देश दावा करते हैं। चीनी अखबार ने कहा है कि हालिया क्षेत्रीय युद्धों से यह सबक मिला है कि गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भूमिका आधुनिक युद्ध कौशल में बहुत ज्यादा हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन का इशारा यूक्रेन की सेना की ओर था, जहां गैर कमीशन प्राप्त सैनिक ज्यादा थे। यूक्रेनी सैनिकों ने सफलतापूर्वक हमलावर रूसी सैनिकों की बढ़त को रोक दिया। चीनी सेना के अखबार PLA डेली ने कहा, आधुनिक युद्ध कौशल अत्यंत प्रशिक्षित सैनिकों की लड़ाई है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि छोटी सैन्य यूनिट के क्षेत्रीय युद्धों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी भविष्य की जंग में तेज चाकू की तरह से भूमिका निभाएंगे और अपने दुश्मन का सफाया कर देंगे।